नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है बिकॉज आज हम आपको पॉकेट फ्रेंडली लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं, अनबॉक्स करने वाले हैं। ये अपने आप में जबरदस्त है बिकॉज कि जब आप प्राइस पॉइंट पे कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, बहुत कन्फ्यूज होते हैं बिकॉज क्या लें। अच्छा पैसा दे के अच्छा कॉन्फिगरेशन तो मिल जाता है, लेकिन कम पैसे में अगर कोई चीज़ परचेस करनी हो तो ये बहुत माथापोड़ी का काम है। इसी कन्फ्यूज़न के लिए, इस प्राइस पॉइंट के लिए ये लैपटॉप मैं आपको लेकर आया हूँ। ये अल्टीमेट कॉन्फिगरेशन के साथ है, आपको मजा आने वाले है बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट में ये लैपटॉप अवेलेबल है 32,990, ये अल्टीमेट प्राइसिंग है आज के दिन में। आपको पता होगा आज के दिन अच्छा कॉन्फिगरेशन जाना तो 60-70 हज़ार से नीचे कोई लैपटॉप अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इस प्राइस पॉइंट में कुछ भी परचेस करना अपने आप में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसमें ये होगा कि नहीं, उसमें वो होगा कि नहीं, बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। सो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। सो गाइस ओपन करते हैं। यूजर मैनुअल साथ में है, इसका कोई काम नहीं है, इसको भी साइड करता हूं। ये लैपटॉप है अपने आप में बहुत स्लीक है। इस प्राइस पॉइंट में ये लैपटॉप अपने आप में अल्टीमेट है बिकॉज ये स्लीकनेस आपको नॉर्मली जो लो कॉस्ट बजट में जो आप लैपटॉप खरीदते हैं तो काफी भोंगा जैसा खराब दिखने वाला लैपटॉप होता है। ये बहुत सुंदर फिनिशिंग के साथ में है, अल्टीमेट लुक दिया हुआ है जैसा दिख रहा होगा, स्लीक भी है काफ़ी, ये पतला है। सो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लग रहा है इस प्राइस पॉइंट में। इस तरह का लैपटॉप काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग की हुई है, जैसा आपको दिख रहा होगा एक ग्रिप दिया हुआ रबड़ का, सो हाथ से स्लिप नहीं होना है। और लैपटॉप भी काफ़ी हल्का है, वेट बहुत कम है। ये टेम्परेचर ग्रिल दिया हुआ है जिससे प्रोसेसर का टेम्परेचर बाहर होना है। गाइस इसका फ्रंट बहुत सुंदर है, HP का एम्बॉसिंग आपको टॉप में दिख रहा होगा जैसा। इसको ओपन करते हैं, इसका कीपैड और पैड देखते हैं कैसा है। जबरदस्त है। इससे पहले मैं आपको अपने YouTube में 248 मॉडल आता था जो मैं अनबॉक्सिंग किया था, वो रेजोन 3 के साथ आया था। ऑलमोस्ट सेम शक्ल में है, ये भी एथलॉन है, ये 3000 सीरीज मॉडल है। इन पर प्रोसेसर इसका जो है 3045B है, अच्छा प्रोसेसर है ये। सेलोन डुअल कोर जो इंटेल का प्रोसेसर रहता है उससे मच बेटर परफॉर्म करता है। इनफैक्ट इसमें ग्राफिक्स भी अच्छा होता है। AMD तो आपको ऐसे भी नोन है कि ग्राफिक्स बहुत बढ़िया होता है, वो आगे आपको और मैं डिटेल करूंगा उसके बारे में। सो काफ़ी अच्छा पैड दिया हुआ है जैसा आपको दिख रहा होगा, फुल साइज पैड है। हालांकि ये 14 इंच का लैपटॉप है, 14 इंच में आपको न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं होता है जो साइड में होता है बिकॉज स्पेस उतना नहीं होता है। रेस्ट ऑफ कीबोर्ड बहुत अच्छा है, स्पेसियस बना हुआ है। ये सामने जो ग्रिल दिख रहा है वो साउंड सिस्टम के लिए है, इसमें म्यूजिक आपको स्पीकर फिटेड है इसके अंदर। पावर बटन इस साइड में दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। क्या क्या पोर्ट है एक बार उसमें ध्यान दे देते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है ये प्लग लगाने की जगह है जो पावर एडाप्टर आप यूज़ करेंगे। इसके साथ में लैन पोर्ट भी आता है, ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली आज के जो एडवांस लैपटॉप जाएंगे उसके अंदर अलग से कन्वर्टर आता है लैंड पोर्ट के लिए, इंटीग्रेटेड है। HDMI पोर्ट है, 2 USB स्लॉट दिख रहा है, एक हेडफोन स्टूडियो हेडफोन जैक है विथ माइक के साथ आप यूज़ करेंगे। एक बार फ्रंट में सामने आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट में कोई भी पोर्ट नहीं है, सामने से कोई पोर्ट नहीं है। लेफ्ट साइड में एक बार चेक कर लेते हैं, लैप साइड में एक लॉक है आपको, नॉर्मली जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ लॉक यूज़ कर सकते हैं, इसकी लॉक अलग से आती है मार्केट में। एंड सी टाइप पोर्ट है, इससे आप बहुत सारे पोर्ट में कन्वर्शन कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे सी पोर्ट का डिवाइस आता है जो कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। सो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है कॉन्फिगरेशन एंड जो सकल सूरत के साथ में आ रहा है। सो ऑन करते हैं गाइस, इसको आगे बढ़ते हैं देखते हैं। सो गाइस बिफोर स्टार्ट करें लैपटॉप टेस्टिंग में आपको सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन मैं बता देता हूँ। ये एथलॉन प्रोसेसर है जैसा आपको दिख रहा हो सामने में, एथलॉन है, AMD का प्रोसेसर है, एक अच्छा प्रोसेसर। सेलॉन नॉर्मली इंटेल में सेलॉन और डुअल कोर आता है उससे मच बेटर परफॉर्म करता है। ये 2.3 GHz के साथ है, इसका प्रोसेसर मॉडल है 3045B।
ये इसकी फ्रिक्वेंसी अप टू 3.2 गीगाहर्ट्ज़ तक ब्रश फ्रिक्वेंसी यूज़ करती है, सो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इसके वजह से। इसमें इंटीग्रेटेड 8GB DDR4 रैम साथ में आता है, ये 1TB हार्ड ड्राइव के साथ है। इनफैक्ट इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, 8GB को भी आप 16GB तक जा सकते हैं। 8GB इट्स गुड इनफ, कोई ऐसे मतलब नहीं बनता उसको अपग्रेड करने का, लेकिन फ्यूचर में किसी को और हाईफाई काम करना तो आप रैम अपग्रेडेबल है। हार्ड ड्राइव को निकाल के SSD भी डाल सकते हैं, हार्ड ड्राइव के साथ में SSD भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का अपग्रेडेबल फीचर इसमें साथ में है, एड ऑन कर सकते हैं। ये 14 इंची का ग्लास है इसमें HD, जो आपको एंटी ग्लेयर के साथ आता है। सो कोई बच्चा अगर क्लासेस ऑनलाइन कर रहा है और काफ़ी देर तक भी काम करता है तो उसके आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, एंटी ग्लेयर के साथ ही आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नॉर्मली डॉस आता है, प्रीलोडेड जो है आपको विंडो 11 आएगा, लाइफ टाइम वैलिडेशन के साथ होता है। पोर्ट जैसा आपको मैंने दिखाया है, 2 USB पोर्ट है इसके साथ में, एक सी टाइप USB पोर्ट है, इसके अलावा LAN पोर्ट है, HDMI पोर्ट है। सो पोर्ट ऑलमोस्ट सारी दी हुई है, आपको इसमें कोई पोर्ट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हेडफोन जैक दिया हुआ है, कॉम्बो जैक के साथ है, माइक्रोफोन एंड हेडफोन कॉम्बो जैक है। सो गाइस इसका म्यूजिक चेक करते हैं, बिकॉज कि हर कोई गाना सुनता ही है, लो बजट के वजह से ऐसा ना हो कि साउंड ही ना हो, उसको साउंड चेक करते हैं कैसा साउंड है इस प्राइस पॉइंट में। साउंड ऑब्वियसली और प्रीमियर रेंज वाला जो हारमन कारमन होता है उस काइंड ऑफ साउंड ना है, लेकिन एक साउंड अच्छा होना चाहिए। चेक करते हैं, लेट्स प्ले। कहीं से महसूस नहीं हो पा रहा है कि इट्स लो बजट का लैपटॉप है, इसमें साउंड ऐसा भी हो सकता है। सो अल्टीमेट साउंड के साथ है, बिकॉज ये HP का लैपटॉप है, कहीं तो कहीं प्रीमियरिटी रहेगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है। जो साउंड में नॉर्मली ऐसा महसूस था मुझे कि इस प्राइस में आपको ये साउंड नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेट साउंड है, कहीं से कोई से आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आने वाला है, साउंड काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। सो एक वीडियो चेक करते हैं इसका स्क्रीन कैसा है, कैसा वीडियो क्वालिटी दिखता है। सो प्ले करते हैं गाइस। तो गाइस 4K वीडियो प्ले कर रहा हूं मैं स्क्रीन पे, आपको जैसा दिख रहा होगा जबरदस्त डिस्प्ले है, HD है, हालांकि आप 4K वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं YouTube से, क्लियरिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो इस लैपटॉप में आप जो वीडियो गेम खेलने वाले हैं या वीडियो को एडिट के लिए भी काम करेगा, नॉर्मली जो YouTube में छोटा मोटा वीडियो बनाता है उनके लिए अल्टीमेट लैपटॉप है, आपको कहीं से कमी महसूस नहीं होने देगा ये लैपटॉप। जो मेजर काम प्रोफेशनल करने वाले उनके लिए एकदम रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो एंट्री लेवल कोई भी बिगनर है उनके लिए अल्टीमेट है, फुल सेटिस्फेक्शन इस लैपटॉप में मिलने वाला है आपको। मुझे बहुत जबरदस्त वीडियो क्वालिटी नजर आ रही है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अल्टीमेट क्वालिटी के साथ है, कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सो गाइज मेजरली यूज होने वाला है जो बच्चे क्लास यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस यूज करने वाले हैं, या आप अपनी मीटिंग के लिए यूज करने वाले हैं। सो आपको वीडियो क्वालिटी HD है इसका, वेबकैम जैसा आपको सामने दिख रहा होगा लाइव, काफ़ी क्लियरिटी है, काफ़ी शार्पनेस है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कैमरे में, कैमरा ऑलमोस्ट प्रीमियर जैसे लैपटॉप होता है वैसे ही दिख रहा है। तो अपने बच्चों के लिए जैसे ऑनलाइन क्लासेस यूज़ कर रहे हैं इस बजट में लैपटॉप को ले सकते हैं, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ का जगह नहीं है, बढ़िया चलेगा। सो ये भी सेटिस्फैक्ट्री है, ये वेब कैमरा जबरदस्त क्लियरिटी के साथ में है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। सो गाइज मैंने हर यूटिलिटी को चेक किया है, ऑनलाइन क्लासेस यूज़ करना है आपको, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज़ करना है, ब्राउजिंग यूज़ करना है, आप टीचर हैं एज ए क्लास में क्लास लेना है उनके लिए, जो नॉर्मली ब्राउजिंग यूज़ करते हैं, फाइनेंस के लिए यूज़ करते हैं, अकाउंट के लिए यूज़ करते हैं, अकाउंटेड है आप, तो नॉर्मली जो यूज होता है, जो बहुत हैवी यूज नहीं जिसको बोलते हैं, वैसा कोई वर्क नहीं करना है आपको। नॉर्मली एक लैपटॉप चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए, बढ़िया गेमिंग भी खेल सकते हैं इसमें, हाई एंड गेम का बात नहीं कर रहा हूँ, एंट्री बिगिनर गेमर के लिए अल्टीमेट है, मिड रेंज गेम के लिए भी अच्छा, बिकॉज AMD तो ऐसे भी गेमिंग आपको पता होगा अल्टीमेट चलता है, बिकॉज ग्राफिक्स कार्ड के साथ ये लैपटॉप है, रेडॉन ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड है इसके अंदर में। सो यहाँ तो कोई आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, अल्टीमेट परफॉर्म करेगा बिकॉज ग्राफिक्स अच्छी होती है AMD की। नॉर्मली अपन प्रोसेसर
अच्छा होने से जो बाकी कैलकुलेशन पॉइंट है वो कैसा होता है वो चेक कर लिया। सो आप वीडियो एडिटिंग यूज़ करते हैं नॉर्मली जो बिगिनर के लिए है, सो कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नज़र नहीं आता है, अल्टीमेट परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको एक एंट्री बजट लैपटॉप है, जैसा आपको प्राइस मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में 32,990, काफ़ी सेटिस्फैक्शन है इस प्राइस में। ऐसा नहीं है कि आप प्रीमियर लैपटॉप से उसको कंपेरिजन कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन जो आपको एंट्री लेवल जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ फुलफिल करता है। इसके अंदर में थोड़ा बहुत लेकुना मिलता है जो ऑन होने में आपको थोड़ा स्लो दिखता है, अगर उसको आप इंप्रूव करना चाहेंगे फ्यूचर में तो इसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं, SSD डाल सकते हैं जो 3500 में 256 आता है, हालांकि प्राइस वैरी करते रहता है, ये आज की प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको, तो प्लस कर सकते हैं, उससे आपको स्पीड और बूस्टअप मिल जाएगा। आपको जो ऑन टाइम स्पीड अभी आपकी इसकी है जो ऑन होने में टाइम लग रहा है विंडो को, वो और फास्ट हो जाएगा। और से कहीं इसके अंदर में कोई बॉटलनेक नज़र नहीं आया मुझे, कोई लेकुना नज़र नहीं आया, तो मैं लैपटॉप आपको एंट्री लेवल रिकमेंड करूँगा, अल्टीमेट लैपटॉप है। सो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगी है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।